हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं? चलो भाई, पढ़ाई लिखाई शुरू करें। तो बेटा, हम लोग जो हैं आगे बढ़ते हैं, और हम लोग जो पढ़ेंगे बेटा, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब हम लोग देखिए डिवाइसेस पढ़ेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, है ना। इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे? एमीटर, वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज। ये हम चार इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे बेटा, एमीटर, वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम एमीटर पढ़ें। एमीटर क्या होता है बेटा, इसको बहुत आराम से ध्यान से सुने और बिल्कुल फोकस करके हमारी बात को सुनना आप लोग, है ना, अच्छे से समझना। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा एमीटर। एमीटर क्या है? देखिए, सबसे पहले तो एमीटर जो है, इट इज अ करंट मेजरिंग डिवाइस। ये डीसी करंट मेजर करेगा बेटा। ये जो हम पढ़ रहे हैं बेटा, डीसी करंट पढ़ रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं पढ़ रहे हैं। घरों में जो करंट सप्लायर हो वो नहीं पढ़ रहे हैं। घरों में जो करंट सप्लायर है बेटा, वो दरअसल ऑल्टरनेटिंग करंट है। उस करंट को ये मेजर नहीं करेगा। ये बेसिकली डीसी एमीटर है ना। दिस इज अ डीसी एमीटर। डीसी एमीटर जैसे कि जहां सेल से करंट सप्लाई हो रहा है, सेल से जो करंट सप्लाई होता है बेटा, वो डीसी करंट है। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, दैट इज कांस्टेंट करंट। तो आप एमीटर को समझिए कि मैं आप लोग को डीसी एमीटर पढ़ा रहा हूं। बेसिकली एमीटर बोल रहा हूं, लेकिन ये एक्चुअली में डीसी एमीटर पढ़ रहे हैं हम लोग। ये डीसी एमीटर पढ़ रहे हैं। ये कोई सेल जो करंट सप्लाई करेगा उसको मेजर कर लेगा, लेकिन घरों में जो करंट सप्लाई हो बेटा, अगर उसको मेजर करने के लिए आप इसे लगाएंगे तो इसकी रीडिंग जीरो आएगी। तो हम लोग डीसी एमीटर पढ़ रहे हैं। जहां डीसी करंट फ्लो रहा है, वहां पर ही एमीटर जो है रीडिंग यानी करंट को रीड करेगा। तो बहुत ही साफ साफ बात है कि डीसी एमीटर हम पढ़ने जा रहे हैं। इट इज अ करंट सेंसिटिव डिवाइस। पहली बात तो बेटा कि डीसी एमीटर, इट इज अ करंट सेंसिटिव डिवाइस। इट इज अ करंट सेंसिटिव डिवाइस। बहुत आराम से सुनना बेटा, इट इज अ करंट सेंसिटिव डिवाइस। ये करंट सेंसिटिव डिवाइस है, यानी ये करंट मेजर करेगा। ये क्या मेजर करेगा बेटा? करंट मेजर करेगा। यस, अब यहां पर बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा। बेसिकली जो एमीटर होता बेटा, वो किस प्रिंसिपल पर काम करता? हर इंस्ट्रूमेंट किसी न किसी एक प्रिंसिपल पे काम करेगा। तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो बेसिकली ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर काम करेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो बेसिकली ये जो है बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर काम करता है। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर काम करता है। ठीक, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि डीसी एमीटर यानी एमीटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो ये जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ वायर, देन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस, दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, फिर यहां पर बेटा बेसिकली आप ये जान लीजिए कि ये जो एमीटर होता है बेटा, ये बनाया कैसे गया? बेसिकली ये एमीटर जो बनाया गया है, वो गैल्वेनोमीटर से बनाया गया है। किससे बनाया गया है? गैल्वेनोमीटर से बनाया गया है, यानी इट इज मेड अप ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। यानी बेटा ये गैल्वेनोमीटर से बनाया गया है ना। देखिएगा ध्यान से, इट इज मेड बाय द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। यानी बेटा ये गैल्वेनोमीटर्स की मदद से बनाया गया है। बहुत आराम से सुनना, यानी बेटा गैल्वेनोमीटर की मदद से बनाया गया। इट इज मेड बाय द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक हाईली सेंसिटिव, करंट सेंसिटिव डिवाइस होता बेटा। गैल्वेनोमीटर इज अ हाईली करंट सेंसिटिव डिवाइस, यानी बहुत ही छोटा सा भी करंट, डीसी करंट पास करेगा, उसको भी मेजर करेगा।
तो सवाल ये उठता है कि जब गैल्वेनोमीटर एक करंट सेंसिटिव डिवाइस है तो फिर अमीटर बनाने की क्या जरूरत थी? गैल्वेनोमीटर था, गैल्वेनोमीटर से ही करंट मेजर करते हैं। तो बेसिकली ये छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे करंट को तो मेजर कर लेता है, लेकिन जरा सा करंट थोड़ा सा भी ज्यादा होता है तो ये डैमेज हो जाता है, ये ओवरहीटेड हो जाएगा, इसमें डैमेज हो जाएगा, ये मामला खराब हो जाएगा। ये तो थोड़ा सा भी बड़ा करंट होता है, उस करंट को मेजर करने के लिए बेटा अमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा इट इज मेड बाय द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर हाईली सेंसिटिव, करंट सेंसिटिव डिवाइस है जो कि छोटे से छोटे करंट को भी मेजर करेगा, लेकिन जरा सा करंट थोड़ा भी बड़ा होता है तो ये डैमेज हो जाता है। अब थोड़ा सा बड़ा करंट है, हमें उसे मेजर करना है, तो हम गैल्वेनोमीटर नहीं लगा करके अमीटर लगाएंगे। अब देखिए यहां पर बेटा कैसे बनाया गया, बेटा ये सुनिए। देखिए ये देखिए गैल्वेनोमीटर मैंने एज्यूम करा, दिस इज अ गैल्वेनोमीटर, एज्यूम करते हैं गैल्वेनोमीटर में क्वाइल है। घबराना नहीं बेटा, गैल्वेनोमीटर हम लोग आगे पढ़ेंगे, गैल्वेनोमीटर हम लोग आगे पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बस ये अभी डायग्राम बना रहा हूं, एक गैल्वेनोमीटर शो कर रहा हूं। गैल्वेनोमीटर में क्वाइल होता है, वायर होता है जो कि ऐसे लपेटा होता है, तो उसको ऐसे दिखा दे रहे बेटा। यहां पर बेटा रीडिंग्स होती है जीरो, ऐसे करके 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, ऐसे करके ना लिखा होता है ऐसे। अभी कोई करंट नहीं जा रहा है तो ये स्विच होगी वो जीरो पे होगी ऐसे। अब क्या करते बेटा, ये जो गैल्वेनोमीटर है इसके पैरेलल में बहुत ही लो रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर देते हैं जिसे शंट कहते हैं। एस इज द शंट, एस का मतलब होता है बेटा शंट, शंट का मतलब होता है लो रेजिस्टेंस, वेरी लो रेजिस्टेंस, यानी लो रेजिस्टेंस को ही शंट बोलते बेटा। यानी बेटा बहुत सिंपल सी बात है कि गैल्वेनोमीटर की मदद से कैसे बनाते हैं मीटर, तो हम बोलते हैं ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं विच इज कॉल्ड शंट। तो हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जब आप एक शंट रेजिस्टर जोड़ते हैं, शंट रेजिस्टर मतलब वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, जब आप इसको कनेक्ट करते हैं तो दिस इज अ अमीटर, दिस इज एन अमीटर, ये बेटा अमीटर है। ये देखिए अमीटर ये होता है। अगर आपसे कभी भी ये प्रश्न पूछा जाए, ये कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाए कि यार गैल्वेनोमीटर से अमीटर कैसे बनाते हैं, तो हमारा ये आंसर होना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जब लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं विच इज कॉल्ड शंट, तो दिस कनेक्शन, दिस अरेंजमेंट इज सेड टू बी एन अमीटर। अमीटर ऐसे बनाते हैं बेटा, गैल्वेनोमीटर की मदद से अमीटर को ऐसे बनाया जाता है। ये अमीटर है बेटा, ये गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट कनेक्ट कर देने से ये अमीटर बन गया। ये अमीटर के दो टर्मिनल हैं, देखिए ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, जिस करंट को मेजर करना वो यहां से भेजेंगे। देखिए बहुत आराम से मेरी बात सुनिएगा जो मैं आपसे कह रहा हूं बेटा, ये जो करंट यहां से आएगा, ये जिस करंट, जो अननोन करंट, जो अननोन डीसी करंट है, वो आप यहां से भेजेंगे। जिस करंट को मुझे मेजर करना है वो करंट जब यहां पर आएगा, मान लीजिए आई इज द करंट, अननोन करंट है ये, जब हम इसको यहां से भेजते हैं बेटा, तो यहां पर आने के बाद ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, क्योंकि इसको दो रास्ते मिल रहे हैं। मान लीजिए ये जो क्वाइल है इसका रेजिस्टेंस है जी, जी क्या है, तो जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर क्वाइल। गैल्वेनोमीटर में जो क्वाइल है, वायर है, उसका रेजिस्टेंस कैपिटल लेटर में जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा। अब यहां पर करेंट आएगा और दो पार्ट में डिवाइड होगा। देखो बेटा अगर ये शंट नहीं होता, अगर ये करंट सारा का सारा गैल्वेनोमीटर से पास होता तो गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाता, खराब हो जाता, हीट एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती, वायर टूट जाते, खराब हो जाता, क्योंकि इसकी लिमिट ही बहुत कम है। ये एक लिमिट, जैसे मान लीजिए 2 मिली एम्पियर तक ही मेजर कर सकता है, ये 2 मिली एम्पियर है, मान लीजिए यहां पर 2 मिली एम्पियर, ज्यादा मेजर ही नहीं हो पाएगा। तो डैमेजिंग ना हो और करंट मेजर कर ले, इसलिए अमीटर बनाया गया। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट लगाया, देखो यहां शंट लगाया, शंट इज अ वेरी लो रेजिस्टेंस। जब यहां से करंट चलता बेटा तो करंट दो रास्ते मिलते हैं, दो तरफ डिवाइड हो जाता है। आप ध्यान दीजिए इधर शंट का रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो अधिकतर करंट, जो भी करंट यहां से आ रहा बेटा, उसमें से अधिकतर करंट इधर से निकल जाता है, मतलब मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ये फ्लो कर जाता है इधर, क्योंकि रेजिस्टेंस लो है तो अधिकतर करंट इधर से ही फ्लो जाएगा, इधर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जाएगा।
अच्छा, जितना भी करंट जाएगा सुई आकर के मान लो यहां रुका, वो रीडिंग हम देख सकते हैं। मान लीजिए 1 मिली एम्पियर है, तो हम बोलेंगे सर यहां जो करंट जा रहा है वो आईजी लिख देते हैं। आईजी का मतलब होता है करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। वो इस रीडिंग को देख लेंगे, अच्छा 1 मिली एम्पियर पर रुका, ये कांटा अगर 1 मिली एम्पियर पर रुका, ये निडिल अगर 1 मिली एम्पियर पर रुका, तो हम बोलेंगे सर आईजी इज 1 मिली एम्पियर। सो ये जो करंट आ रहा बेटा ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इस तरफ करंट जाएगा, इस तरफ करंट जाएगा, शंट का रेजिस्टेंस बहुत कम है तो अधिकतर करंट इधर से निकल जाएगा, मैक्सिमम करंट इधर से निकल जाएगा, इधर बहुत स्मॉल करंट जाएगा बेटा, और वो जो भी जाएगा वी कैन टेक द रीडिंग। अगर जो भी करंट इधर जा रहा वो हम रीडिंग ले सकते हैं, ये निडिल कहां पे रुका वहां उतना ही करंट इधर जाएगा। बहुत सिंपल कंसेप्ट है बेटा, बहुत ही सिंपल। अब मुझे ये बताइए कि अगर करंट जाएगा तो निडिल झुक जाएगा, मान लीजिए निडिल यहां पर आके झुक गया, तो यू कैन मेजर द आईजी बाय रीडिंग द निडिल, निडिल कहां पे रुका हुआ है वो आप रीडिंग ले सकते हैं। तो आईजी तो हम गैल्वेनोमीटर की रीडिंग लेकर के पता कर लेंगे, और इधर मान लीजिए कितना करंट जाएगा, तो आई में से आईजी इधर गया तो इधर कितना जाएगा, आई माइनस आईजी करंट इधर जाएगा, बाकी मतलब बहुत थोड़ा इधर जाएगा, बाकी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट इधर से इधर निकल जाएगा। आईजी करंट फ्लो तो यहां से इधर आएगा, आई माइनस आईजी इधर से इधर, और ये इधर फ्लो हो जाएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा अमीटर का यही है कि अमीटर के अंदर गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट कनेक्टेड होता है, इसीलिए देखिए देखिए हम यहां पर लिख दे रहे हैं इन अमीटर गैल्वेनोमीटर a shunt is connected in parallel with galvanometer। ये देखिए, ये हमारे को याद रखना होगा बेटा, ये बहुत ही सिंपल है बेटा। पहले कैसे ये मतलब अमीटर कैसे बनाया गया है गैल्वेनोमीटर की मदद से, ये बहुत ही क्लियर है। इन अमीटर अ शंट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर। शंट क्या होता है, तो वेरी लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, उसे हम शंट बोलते हैं। तो पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा। अब अगर आपको कौन सा करंट मेजर करना है, ये अननोन करंट है, क्या आई जी एम मेजर कर सकते थे, यस गैल्वेनोमीटर की रीडिंग ले लेंगे। अगर ये सुई 1 मिली एम्पियर पर रुका है तो हम बोलेंगे आईजी इज 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर पर रुका है तो 2 मिली एम्पियर बोलेंगे, और बाकी बचा खुचा करंट इधर से जा रहा है। अब मुझे आई सॉल्व करना, दिस इज द नोन करंट, ये अननोन करंट है बेटा, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। देखिए बेटा कंसेप्ट बहुत सिंपल है, क्या ये दोनों रजिस्टर पैरेलल में है। देखिए ये रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस क्या है, जी, जी क्या है बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कॉइल, कैपिटल जी इज क्या, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कॉइल, मेरे साथ बोलो जी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कॉइल, साथ बोलोगे तो सीख पाओगे। तो ये दोनों रेजिस्टर पैरेलल में है, पैरेलल में तो क्या वोल्टेज सेम होता है, तो यस वोल्टेज सेम होता है सर। यहां पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ से लगाओ, आई इंटू आर, करंट कितना फ्लो रहा है आई जी, और रेजिस्टेंस कितना है जी। तो देखिए आई जी इंटू जी इज इक्वल टू, फिर ये पोटेंशियल डिफरेंस आई इंटू आर, करंट कितना है आई माइनस आई जी इंटू एस, वी हैव टू सॉल्व आई। अब देखिए बेटा आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई इंटू एस माइनस आई जी इंटू एस, क्या ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो यस। तो बेसिकली बेटा आई इक्वल टू हो जाएगा आई जी इंटू जी प्लस एस अपॉन एस। बेसिकली ये फॉर्मूला होता है अमीटर में, अमीटर के क्वेश्चन में, जब भी अमीटर का क्वेश्चन मिलेगा बेटा और इस अननोन करंट की वैल्यू पूछेगा, तो अननोन करंट की वैल्यू का फॉर्मूला होता है गैल्वेनोमीटर से पास होने वाला करंट, आईजी क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, इंटू जी प्लस एस अपॉन एस, जी क्या है तो रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कॉइल, एस बी द शंट एंड अपॉन एस इज द शंट। तो ये फॉर्मूला होता है बेटा आई इक्वल टू आई जी इंटू जी प्लस एस अपॉन एस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मेजरिंग द अननोन करेंट।
आपको न्यूमेरिकल में यही देगा। और अगर आप ये फॉर्मूला भूल जाए बेटा, तो वी हैव द कंसेप्ट कि यार ये दोनों वोल्टेज सेम कर लो, काम खत्म, आ जाएगा आंसर। तो ये आपके पास है गैल्वेनोमीटर, ये अमीटर है बेटा, आई की वैल्यू मैंने सॉल्व करके दिखाया, ठीक है। अब मेरी बात सुनना बेटा, बहुत सिंपल सिंपल बातें करेंगे हम इसमें, बहुत सिंपल सिंपल बातें करेंगे, वेरी इजी। अगर मान लो बेटा हम लोगों से ये कहा जाए कि भाई चलो ठीक है, अननोन करंट तो हमने निकाल लिया, अच्छा इस अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, मतलब इसका टोटल रेजिस्टेंस, तो हम बोलेंगे रेजिस्टेंस ऑफ एन अमीटर, या अमीटर डिवाइस है इसका रेजिस्टेंस। तो देखिए दो इसके अंदर अमीटर के अंदर गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट जुड़ा है, यानी दो रेजिस्टर आर इन पैरेलल। तो अगर बेटा रेजिस्टेंस ऑफ एन अमीटर कहता है, रेजिस्टेंस ऑफ एन अमीटर, देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, किसी अमीटर का रेजिस्टेंस, डीसी अमीटर का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ एन अमीटर, तो अमीटर का रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में बेटा, तो अपन क्या करते हैं, प्रोडक्ट अपॉन एडिशन, जी इंटू एस अपॉन जी प्लस एस, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन अमीटर, जी इंटू एस अपॉन जी प्लस एस। ध्यान देने वाली बात क्या बेटा, कि क्योंकि शंट इज वेरी वेरी लेस देन द जी, शंट का रेजिस्टेंस जी के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम है। ध्यान देने वाली बात है कि शंट का रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉलर देन जी, बिकॉज शंट इज अ वेरी लो रेजिस्टेंस। तो देखिए बेटा मल्टीप्लाई में तो हम अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते, एडिशन में देखिए, ये जी में एस को जोड़ा जा रहा है, ऐसा लग रहा है 100,000 रुपये में 58 जोड़ा जा रहा है, 100,000 रुपये में 58 जोड़ा जा रहा है, या 100,000 रुपये में 1 रुपया जोड़ा जा रहा है। तो भाई 1 रुपये का कोई है वैल्यू 100,000 के सामने, तो नहीं। तो हम यहां पर बेटा अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, R इज इक्वल टू R अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू G इंटू एस अपॉन G, क्योंकि G प्लस S में S इग्नोर कर देंगे तो G से G कट जाएगा, तो अमीटर का रेजिस्टेंस इक्वल टू S आएगा, विच इज वेरी लो। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल गया, अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। ध्यान दीजिए, रेजिस्टेंस ऑफ एन अमीटर इज इक्वल टू द शंट, दैट इज वेरी लो। कभी भी आपको बेटा अमीटर की रेजिस्टेंस की बात करी जाएगी तो हम बोलेंगे दिस इज वेरी लो, अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत 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 कम होता है, शंट के बराबर लगभग। तो ये देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आपको याद रखना चाहिए कि रेजिस्टेंस ऑफ एन अमीटर इज इक्वल टू शंट, दैट इज वेरी लो। आइए बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं, आराम से समझते हैं इस चीज को। देखिए बेटा अब आप ये जान चुके हैं कि अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। ये ध्यान रखिए बेटा कि फॉर एन आइडियल अमीटर द रेजिस्टेंस विल बी जीरो। अगर आइडियल अमीटर हो बेटा, जो कि बना नहीं सकते हैं, आइडियल अमीटर क्या होता है, एक इमेजिनरी कंसेप्ट होता है, फॉर एन आइडियल अमीटर रेजिस्टेंस इज जीरो। यानी अगर कभी आपसे बोलता है बेटा कि एक सिंपल अमीटर है, तो आप बोलेंगे रेजिस्टेंस इज वेरी लो, है ना, एक सिंपल अमीटर है तो रेजिस्टेंस इज वेरी लो। बट अगर बोले आइडियल अमीटर है तो रेजिस्टेंस इज क्या, जीरो, रेजिस्टेंस शुड बी जीरो। यानी आइडियल अमीटर अगर क्वेश्चन में कहेगा कि द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर, तो आपको बोलना है जीरो होगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। ये बना नहीं सकते हैं, ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, केवल आपको सोच लेना है, आप बना नहीं पाएंगे रियली में, आप इसे बना नहीं पाएंगे रियली में। तो बहुत साफ साफ बात है बेटा कि आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होता है। नॉर्मल जो अमीटर जो हम लोग के लैब में मिलता है, जो हम लोग बनाते हैं, उस अमीटर का अपना रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है, वेरी लो। ठीक है, फिर सुनिए बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत आराम से जो मैं बोलना चाह रहा हूं। देखिए ये जो अमीटर है बेटा, इसको सर्किट में हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जिस ब्रांच में हमें करंट मेजर करना उस ब्रांच के सीरीज में कनेक्ट करते हैं। यानी टू मेजर द करंट, टू मेजर द करेंट इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, इसे आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं ऑलवेज।
अब देखिए यहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है जो मैं आपको बोलना चाहता हूं बेटा, बहुत आराम से सुनना। देखिए बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए बेटा ये रेजिस्टेंस है, मान लीजिए 10 ओम का ये रेजिस्टेंस है, इसको मैंने एक सेल से कनेक्ट करा, बहुत आराम से सुनना तो आप सीख जाओगे। और मान लीजिए 20 वोल्ट का इसका सेल का ईएमएफ है, तो इस सर्किट में जो करंट जाएगा बेटा वो होगा आई इक्वल टू वी बाई आर, है ना। ईएमएफ कितना है 20 और रेजिस्टेंस कितना है 10, तो करंट इज 2 एम्पियर, यानी वी हैव 2 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। आप ये बात सोचिए कि इस रेजिस्टर के सीरीज में हम एक रेजिस्टेंस और लगा दें, यानी आप ये सोचिए कि ये रेजिस्टर है इसके सीरीज में, देखिए 10 ओम है, हमने इसके सीरीज में मान लीजिए 2 ओम का एक रेजिस्टर लगा दिया, और वही 10 वोल्ट 20 वोल्ट वाली बैटरी है, 20 वोल्ट वाली सेल है, सपोज दैट यहाँ 10 ओम है अकेला, अब यहाँ पर एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दिए, तो क्या होता बेटा इस सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। सीरीज में अगर कोई रेजिस्टर लगाते हैं तो सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, 10 और 2 12 ओम हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ जाएगा, यानी अब ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ जाएगा तो करंट डिक्रीज हो जाएगा, करंट अब थोड़ा कम फ्लो करेगा, रुकावट ज्यादा हो रहा है तो करंट थोड़ा कम फ्लो करेगा। और देखिए इस केस में करंट सॉल्व करते हैं तो I इज इक्वल टू का वी बाई आर, दैट इज 20 बाई 12, दैट इज 10 बाई 6, 1 पॉइंट समथिंग, नॉट 2 एम्पियर, 2 एम्पियर से थोड़ा कम हो जाएगा। आप ये सोचिए बेटा कि यहां पर अब जो करंट जाएगा वो कम हो जाएगा, यस, क्यों कम होगा, ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ गया, नीचे रेजिस्टेंस बढ़ गया बेटा, 20 यहां भी है 20 यहां भी है, लेकिन नीचे भी यहां 10 था, अब यहां 12 हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट डिक्रीज हो गया। अब यहां पर बेटा बहुत आराम से सुनना, तो इतना तो पता हो गया कि सर्किट में अगर सीरीज में कोई भी एलिमेंट जोड़ते हैं तो ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ता है जिससे करंट डिक्रीज हो जाता है। बट हेयर बहुत आराम से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। हेयर जैसे मान लो बेटा मैंने आपको ये कहा कि ये जो है मान लीजिए एक बल्ब है, बल्ब को एक रेजिस्टर की तरह सोचिएगा, बल्ब है। अब यहां पर ये सेल से कनेक्टेड है, मान लीजिए अगर मुझसे कहा गया कि भाई बल्ब से कितना करंट जा रहा है जरा फटाफट सॉल्व करो, तो आप क्या करेंगे, मतलब बताओ मेजर करो, आप दिखाई तो देगा नहीं, यहाँ ईएमएफ थोड़े नहीं दिखाई देगा, यहाँ बल्ब का कितना अंदर रेजिस्टेंस है ये दिखाई थोड़ी नहीं देगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ बोलेंगे यार एक काम करो अमीटर लेके आओ। अब अमीटर आप यहाँ पर ऐसे दिखाएंगे, अमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, इधर जोड़ो, क्योंकि वायर में हर जगह करंट तो सेम जाएगा ना भाई, वायर में करंट तो हर जगह सेम जाएगा, यही करंट मुझे मेजर करना है लैब में। तो हम सोचेंगे कि ये करंट पूरा का पूरा इस अमीटर में एंटर करे, एक तरफ से इस एंड से एंटर करे, यहां से निकले और इस अमीटर के अंदर क्या होगा, गैल्वेनेटर होगा, शंट होगा पैरेलल में, ये जो करंट जाएगा वो गैल्वेनेटर और शंट दोनों से जाएगा और हम अपने पास फॉर्मूला उसे निकाल लेंगे। तो ये जो अमीटर आप लगाते हैं बेटा सीरीज में, मैंने आपको बताया कि किसी रेजिस्टर के सीरीज में दूसरा रेजिस्टर लगा रहे हैं तो सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, करंट क्या होगा, कम हो जाएगा। बट हेयर अमीटर का रेजिस्टेंस वेरी वेरी लो होने की वजह से, बहुत कम होने की वजह से सीरीज में जोड़ते हैं, अगर इस बल्ब या कोई रजिस्टर या कोई पंखा के सीरीज में अगर आप जोड़ते हैं, इधर ही जोड़ो, यहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ो, सर्किट में कहीं भी जोड़ते हैं, अगर आप सीरीज में जोड़ते हैं तो सर्किट पर लगभग कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इसका बहुत कम है, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस जितना पहले था उतना अभी भी रहेगा, यानी जितना पहले था उतना अभी भी रहेगा। हाँ, अगर मैं कोई रेजिस्टर जोड़ता हूं तो करंट अफेक्ट होता है, करंट कम हो जाता है, लेकिन क्योंकि यहां सीरीज में अमीटर जोड़ रहा हूं, अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है, शंट के बराबर, वेरी लो रेजिस्टेंस, जो कि अगर हम इसमें ऐड करें तो अप्रॉक्सीमेटली जितना रेजिस्टेंस पहले था उतना रेजिस्टेंस अभी भी रहेगा, यानी सर्किट पर लगभग कोई असर नहीं पड़ेगा तो करंट भी लगभग उतना ही रहेगा। और अगर आइडियल हो तो फिर मजे की बात है, आइडियल तो रेजिस्टेंस ही जीरो होता है, आइडियल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बेटा दिमाग में ये बिठा के चलना है कि अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होने की वजह से जब आप इसे सर्किट में सीरीज में जोड़ते हैं तो ये सर्किट को अफेक्ट प्रभावित नहीं करेगा और आपको करंट मेजर करके दे देगा। और अगर आइडियल हो तो मजे की बात है, बिल्कुल ही अफेक्ट नहीं करेगा,
बिल्कुल ही अफेक्ट नहीं होगा, करंट बिल्कुल चेंज नहीं होएगा। बात समझ में आई? तो ये हमारा अमीटर था बेटा। अमीटर का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, अमीटर आपको समझ में आया। अमीटर बहुत सिंपल है, वीडियो को रिप्ले करके दोबारा सुनो, नोट्स में लिखो, रफ में लिखो, दो तीन बार लिखो, परफेक्ट हो जाओगे। इसमें क्वेश्चन कर ले बेटा, भाई अमीटर हमने पढ़ा तो क्वेश्चन कर लेते हैं, दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए दो तीन क्वेश्चन करते हैं अमीटर पे बेस्ड। चलिए भाई अमीटर पे क्वेश्चन करते बेटा, ठीक है? चलिए अमीटर पे क्वेश्चन करें। देखिए बेटा एग्जांपल के लिए मान लीजिए क्वेश्चन कहेगा अ गैल्वेनोमीटर कैन रीड अप टू 1 mA करेंट, 1 mA करेंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कॉइल इज टेन ओम, then to convert it into ammeter, then to convert it into ammeter, इसे ammeter में convert करने के लिए an ammeter of 1 ampere, what will be the shunt should connect. तो बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है बेटा इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है गैल्वेनोमीटर कैन रीड अप टू 1 mA करेंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल इज 10 ohm, then to convert it into an ammeter of 1 ampere range कर लो, 1 ampere range यानी maximum 1 ampere तक जाएगा, 1 ampere से ज़्यादा जाएगा तो ये भी फूंक जाएगा, ये भी damage हो जाएगा, what will be the shunt should connect। देखिए तो यहाँ पर बेटा हम इस question को कैसे बनाएंगे, पहले हम एक diagram बनाएंगे, हम बोलेंगे ये galvanometer है, ऐसे बना लिया करो एक rough diagram, ऐसे बनाने में कोई बुराई नहीं है, galvanometer है यार, इसका रेजिस्टेंस कितना 10 ohm, ये भैया 10 ओम रेजिस्टेंस है, और ये देखिए जीरो इधर, ये मैक्सिमम इधर तक 1 mA, इधर से भेजोगे तो मान लो सुई इधर झुकेगा और इधर से भेजोगे तो सुई इधर झुकेगा, यानी ये 1 mA से ज़्यादा नहीं मेजर कर पाएगा, 1 mA ज़्यादा अगर फ्लो करा दोगे ना तो ये डैमेज हो जाएगा, 1 mA से ज़्यादा नहीं कर सकता वरना फिर डैमेज हो जाएगा उसके बाद। अब आपसे कह रहा है कि हमें बनाना, इसे कन्वर्ट करना अमीटर में जिसका 1 ampere रेंज हो, यानी एक ऐसा अमीटर बनाए जो 1 ampere तक मेजर कर सके, 1 ampere से ज़्यादा जाने पर भी ये फूक जाएगा। तो बोलेंगे अच्छा 1 ampere में बनाना है तो शंट को पैरेलल लगाते हैं। चलिए ये शंट है, हमें शंट की वैल्यू निकालनी, और सोचेंगे 1 ampere करेंट जब हम भेजें यहाँ पर तो 1 ampere से ज़्यादा नहीं मेजर हो रहा है, 1 ampere रेंज का हमको अमीटर बनाना है, यानी 1 ampere जब भेजे बेटा तो गैल्वेनोमीटर में 1 mA करंट चला जाए मैक्सिमम, ताकि 1 से जरा से ज्यादा भेजे, इधर जरा से ज्यादा हुआ गैल्वेनोमीटर जल गया तो हम कहेंगे अमीटर फूक गया। नहीं आया समझ में, 1 ampere रेंज का अमीटर बनाना है। 1 ampere रेंज का मतलब ये होता है कि वेन यू फ्लो 1 ampere ऑफ करेंट देन द लिमिट ऑफ द गैल्वेनोमीटर कॉइल जो कि 1 mA है, 1 mA इधर से फ्लो करेगा, बाकी बचा इधर जाएगा, अगर 1 से ज़रा से ज़्यादा जाएगा तो इधर 1 mA से थोड़ा बढ़ेगा और थोड़ा बढ़ेगा तो ये जल जाएगा, ये डैमेज हो जाएगा, तो हम कहेंगे अमीटर डैमेज हो गया, फूक गया, खराब हो गया। यहाँ पर बेटा 1 minus 1 mA, मिली मतलब 10^-3, इतना एम्पियर का करंट इधर से फ्लो करेगा तो हमें बेटा शंट निकालना है। तो हम इस सवाल को बनाएंगे ऐसे, हम बोलेंगे अरे यार सर सिंपल है, दो रेजिस्टर पैरेलल में, दोनों का वोल्टेज सेम कर लो,
चलो दोनों का वोल्टेज सेम करो, क्या करेंगे, I इंटू आर, आई का मतलब 10^-3 क्योंकि मिली एम्पेयर में, इंटू रेजिस्टेंस 10 ओम, और यहाँ I इंटू आर, देखिए 1 कितना जा रहा, 1 - 10^-3 इंटू एस। अब देखो एक में से 10^-3 यानी 0.001 नेग्लिजिबल है बेटा, बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो बस S बराबर लिखेंगे, ये छोड़ देंगे, तो S बराबर लिखेंगे 10^-2 दैट इज 1/100 ओम, या आप यूं समझ लो 0.01 ओम, इतना का शंट लगाएंगे, इतने रेजिस्टेंस का शंट लगाएंगे, क्योंकि इसको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया बेटा, और यह 10^1 है, -3 + 1 - 2 यानी 1/100 दैट इज 0.01 ओम। तो हम बोलेंगे आपको 0.01 ओम का शंट इस गैल्वेनेटर के पैरेलल में लगाना चाहिए, तो आपका ये एमीटर 1 एम्पियर रेंज का बन जाएगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराओगे तो रायता फैल जाएगा, घबराना ही तो नहीं है, घबराना ही तो नहीं है, घबराना नहीं, बिल्कुल समझ गए। चलिए भाई इसको मिटाते हैं, कोई डरेगा नहीं, ठीक। चलो भाई और सवाल करें, और सवाल करें, या एक काम करते हैं वोल्ट मीटर पढ़ा देते हैं, वोल्ट मीटर के बाद फिर मिक्स करके क्वेश्चन देंगे, ठीक है, मिक्स करके क्वेश्चन देंगे, परेशान मत होना बस, ठीक है। चलिए वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर पढ़ने जा रहे बेटा, वोल्ट मीटर बहुत सवाल आएगा, टेंशन मत लो, बस सिखा रहा हूँ अच्छे से। देखिए वोल्ट मीटर क्या होता बेटा, वोल्ट मीटर, देखिए वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करेगा, यानी बेटा ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने वाला डिवाइस है। इस डिवाइस की मदद से आप दो पॉइंट सर्किट में किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। तो वोल्ट मीटर हम लिखते हैं बेटा कि इट इज अ वोल्टेज सेंसिटिव डिवाइस, वोल्टेज सेंसिटिव डिवाइस, यानी बेटा ये वोल्टेज मेजर करेगा, इट मेजर्स, ये मेजर करता है बेटा बहुत आराम से, इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्किट। तो पहली बात तो बेटा वोल्ट मीटर, आप ये समझना पड़ेगा कि वोल्ट मीटर हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये वोल्टेज मेजर करने के काम आता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आता है। पढ़ाई में मन लग रहा है ना, पढ़ाई में मन लगाओ, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट चल रहा बेटा, बहुत ध्यान देने वाली बात है, समझोगे तो क्वेश्चन बना पाओगे, नहीं समझोगे रायता फैल जाएगा, इसलिए क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है समझना, बहुत ध्यान से देखना बेटा। तो इट इज अ वोल्टेज सेंसिटिव डिवाइस, इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्किट। अब बेटा बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझना, ये जो वोल्ट मीटर है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो अगेन पहली बात तो ये डीसी वोल्ट मेजर करेगा, हमारे घर में जैसे हम बोलते हैं 220 वोल्ट का सप्लाई है, अगर आप ये वोल्ट मीटर उसको लगा दोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, जीरो रीडिंग देगा, ये डीसी वोल्ट मीटर है बेटा, ये डीसी वोल्ट मीटर है, बहुत आराम से सुनिएगा, ये दिस इज अ डीसी वोल्ट मीटर, यानी कांस्टेंट वोल्टेज, डीसी मतलब यहाँ कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट वोल्टेज मेजर करेगा, यानी आप जो सेल से जो सप्लाई होता करंट, उस करंट के कारण किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होगा। तो हम बोलते हैं इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी बेटा डीसी एमीटर और डीसी वोल्टमीटर एक ही प्रिंसिपल पे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, बहुत आराम से सुनना, कुछ नहीं है इसमें, कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, जो जो पॉइंट्स मैं बताए जा रहा हूँ बिल्कुल सही से समझ लो। तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड है, ठीक। अब जरा सुनिएगा ध्यान से, बहुत प्यार से सुनिएगा बेटा, वेरी इजी।
अब यहां पर बेटा सवाल उठता है कि वोल्टमीटर बनाया कैसे गया है, तो फिर से बोलूंगा कि एमीटर किसकी मदद से बनाया गया है, गैल्वेनोमीटर की मदद से, इसे भी गैल्वेनोमीटर की मदद से बनाया गया है, यानी इट इज मेड बाय द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर, यानी बेटा इसे गैल्वेनोमीटर की मदद से बनाया गया है। दरअसल इसमें करते क्या है कि ये गैल्वेनोमीटर है बेटा, बहुत आराम से सुनना, ये गैल्वेनोमीटर है और इसमें गैल्वेनोमीटर बिल्कुल आराम से समझना, इसमें रीडिंग्स हैं गैल्वेनोमीटर में, आप तो जानती हैं गैल्वेनोमीटर एक करंट सेंसिटिव डिवाइस है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मान लीजिए जी है, तो क्या करते हैं इसमें सीरीज में वेरी हाई रेजिस्टेंस, एमीटर में क्या था बेटा जल्दी बताओ, एमीटर में था लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, दैट इज कॉल्ड शंट, लेकिन ये बेटा वेरी हाई रेजिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा वेरी हाई रेजिस्टेंस। यानी बेटा बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होता है, ध्यान से सुनिए, वहां जो शंट था पैरेलल में वो क्या था, बहुत छोटा, लेकिन यहां जो रेजिस्टेंस सीरीज में होगा वो क्या होगा, बहुत बड़ा, यानी गैल्वेनोमीटर के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा। ये बेटा गैल्वेनोमीटर है, सॉरी ये पूरा का पूरा ये वोल्ट मीटर है, ये पूरा का पूरा वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर बहुत सिंपल है बेटा कि व्हेन अ हाई रेजिस्टेंस वेरी हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर देन दिस अरेंजमेंट इज सेड टू बी द वोल्ट मीटर। देखिए व्हेन या इन वोल्ट मीटर A very high resistance is connected in series with the galvanometer. यानी बेटा गैल्वेनोमीटर के सीरीज में वेरी हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट है, इसी अरेंजमेंट को बेटा वोल्ट मीटर कहते हैं, बहुत साफ साफ बात है। अच्छा इतना तो अब आप समझ गए होंगे बेटा कि इस वोल्ट मीटर में गैल्वेनोमीटर की जो करंट लिमिट है, अगर मैं बोलूं 1 मिली एम्पियर करंट है मान लो इसकी लिमिट 1 मिली एम्पियर, तो इसका मतलब इस वोल्ट मीटर से 1 मिली एम्पियर से बड़ा करंट नहीं फ्लो सकता है, क्योंकि जो भी करंट जाएगा वो गैल्वेनोमीटर से पास होते हुए जाएगा और गैल्वेनोमीटर में झेलने की शक्ति 1 मिली एम्पियर तक है, 1 मिली एम्पियर से जरा सा बड़ा करंट जाएगा बस ये जल जाएगा, हम बोलेंगे वोल्ट मीटर फूक गया। इसीलिए वोल्ट मीटर जो होता है इसमें वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट शुड फ्लो, जरा सा भी बड़ा करंट गया बस फटाक से गैल्वेनोमीटर जल गया, हम बोलते हैं वोल्ट मीटर खराब हो गया। तो वोल्ट मीटर में जो करंट जा सकता है वो गैल्वेनोमीटर के अकॉर्डिंग जाएगा, गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम जितना करंट फ्लो हो सकता है बेटा उतना ही तुम इधर से भेज सकते हो, उससे ज्यादा भेजोगे रायता फैल जाएगा। मान लीजिए आईजी करंट इधर फ्लो रहा बेटा, वही करंट यहां से फ्लो तो है सीरीज में है तो सेम करंट आईजी फ्लो होगा, इधर से ऐसे करके ऐसे निकल जाएगा। अगर मुझे यहां से यहां तक रीडिंग लेना है, रीडिंग का मतलब वोल्ट मीटर की रीडिंग का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनिए, वोल्ट मीटर की रीडिंग का मतलब क्या होता है आप ध्यान से सुनिए, लाइन मिटा दिया आपने, लिख लिया होगा उसके नीचे देखिए। अब अगर मेरे को कहे कि वोल्ट मीटर की रीडिंग बताइए, नहीं वोल्ट मीटर की रीडिंग मतलब यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम देख रहे हैं कि दो रजिस्टर सीरीज में, तो ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज, यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस प्लस ये पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा, यानी V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वोल्ट मीटर। ये देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, वो यहां पर का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस ये पोटेंशियल डिफरेंस, या ओम्स लॉ से लिखिए I इंटू आर, तो आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू आर, आई जी कॉमन ले लो तो जी प्लस आर इज द रीडिंग। इस तरह से हम वोल्टेज मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर,
यानी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हमें केवल चाहिए आईजी। आईजी कैसे देखेंगे बेटा, तो देखेंगे गैल्वेमीटर से कितना करंट जा रहा है, वो आईजी इनटू जी प्लस आर। जी ये गैल्वेमीटर का रेजिस्टेंस एंड आर इज द वेरी हाई रेजिस्टेंस जो सीरीज में कनेक्ट है वो। तो इस तरह से मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लूंगा आईजी इनटू जी प्लस आर, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत सिंपल कहानी है, कोई लफड़ा नहीं है बेटा। यहां पर बेटा बहुत ध्यान देने वाली बात यह है, यहां तक हमने सीख लिया बेटा, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मुझसे कहेगा रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनो वोल्टमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्टमीटर, देखिए बहुत आसान है, रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्टमीटर बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्टमीटर, ऑफ अ वोल्टमीटर, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस। देखिए वोल्टमीटर में क्या होता है, दो रेजिस्टर सीरीज में होता है, तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस अपन क्या लिखेंगे, आर प्लस जी, सीरीज में तो ऐड करते हैं ना बेटा। अच्छा एक चीज और, क्या आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन जी? यस, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन जी, सो दिस इंप्लाइज वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जो हाई रेजिस्टेंस, जैसे मैं बोलूं 1 लाख और ये 1 रुपया है, 1 लाख में 1 जोड़ेंगे तो 1 लाख ही तो रहेगा लगभग, तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस दैट इज वेरी वेरी हाई। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिख दिया, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, वेरी हाई रेजिस्टेंस होता है। यहां पर बहुत ध्यान देने वाली बात यह है बेटा, बहुत ध्यान देने वाली बात यह है जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये सुनिएगा कि देखिए अगर आपसे बोले आइडियल वोल्ट मीटर, जो कि हम बना तो नहीं सकते हैं, आइडियल वोल्ट मीटर, अगर आपसे बोले आइडियल वोल्ट मीटर तो आप बोलना, देखिए नॉर्मल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता, बहुत ज्यादा, और आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता इनफाइनाइट। यानी अगर आपसे बोले कि आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है तो अपन क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। ऐसा वोल्ट मीटर आप बना नहीं सकते क्योंकि आइडियल है, इमेजिनरी है, काल्पनिक है, केवल सोच लीजिए बस कैसा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। फिर सुनिए, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल। बहुत आराम से बेटा, है ना, कोई घबराहट नहीं है, मेरी बात सुनते चलो। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल में मतलब जैसे समझिए, बिल्कुल आराम से समझिए, है ना, बहुत आराम से समझिए। वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा, बहुत आराम से पहले समझिएगा कि ये जो है, ये क्या है बेटा, बल्ब है, लेट अस सपोज, है ना, बल्ब है, ये सेल है। अगर मैंने आपसे कहा बेटा कि सर, या यहां पर कोई रेजिस्टेंस भी है, मान लीजिए आपसे कहेगा कि ठीक है इसमें करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, बिल्कुल करंट जा रहा है यार, ये डीसी करंट है, डीसी करंट है, ऑल्टरनेटिंग नहीं है, घर वाला जो करंट सप्लाई होता वो नहीं है। अब यहां पर दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, क्या मेजर करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप यहां वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, पैरेलल में। अब सोचिए वोल्ट मीटर, नॉर्मली जो वोल्ट मीटर उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, और आइडियल हो तो इनफाइनाइट हो जाएगा, बहुत ज्यादा है। यानी यहां से जो करंट जाएगा, यहां पर आने के बाद इसे दो रास्ते मिले, इसमें बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट हल्का सा जाएगा बिल्कुल, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या बहुत बड़ा, जिधर ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा होता बेटा उधर करंट बहुत कम जाता है। तो ये सर्किट से हल्का सा करंट खींचेगा, ये सर्किट से हल्का सा करंट खींचेगा, लेकिन चूंकि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो ये नेग्लिजिबल करंट खींचेगा, तो ऑलमोस्ट सर्किट पर कोई असर नहीं डालेगा। जैसे 1 एम्पियर का करंट आ रहा, 1 में से 0.0001 एम्पियर करंट खींचेगा, 9.99999 एम्पियर करंट पास करेगा। तो लगभग इस सर्किट में, बल्ब में जो करंट पहले जा रहा था उतना अभी भी जा रहा है, तो लगभग ये सर्किट को प्रभावित नहीं करेगा। हालांकि आइडियल होता तो बिल्कुल नहीं खींचता, तो वो तो और अच्छा होता,
लेकिन चूंकि यहां वोल्ट मीटर आपने जोड़ा तो हल्का सा करंट ड्रॉ करता है, तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा करंट स्मॉल होता है, बट वो नेग्लिजिबल होता है। तो खैर, वोल्ट मीटर जोड़ने से पोटेंशियल डिफरेंस जो यहां होगा वो यहां होगा। अगर यहां वोल्ट मीटर की रीडिंग 1 वोल्ट आ रही है या 1 वोल्ट, 2 वोल्ट आ रही है तो 2 वोल्ट, इस तरह से बल्ब के दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर कर लेते हैं। तो वोल्ट मीटर हमेशा कैसे जोड़ते हैं बेटा? पैरेलल में। तो आज मैंने आपको अमीटर और वोल्ट मीटर पढ़ा दिया है, कल इस पे क्वेश्चन करेंगे और पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।